गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ब्लॉगर नेहा चौहान और आज मैं आप लोगों से अपना नोज़ रिंग का न्यू कलेक्शन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। गाइस, तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ डी ए वाई नोज़ रिंग कलेक्शन। एंड जिनके नोज़ पियर्स नहीं है उनके लिए भी कुछ डी ए वाई आइडियाज़ लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये मेरा जो डी वाई आइडियाज़ है आप लोगों को पसंद आएगा। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इस टाइप, ये जो नोज़ रिंग मैं आपको दिखा रही हूँ एक्चुअली ये नोज़ रिंग नहीं है, इयर रिंग्स है। एंड ये मेरा जो है ये मेरे पास पूरा कॉम्बो सेट है जो मैंने सेट आप लोगों से पहले भी वीडियो में अपनी शेयर कर चुकी हूँ। इसी टाइप में नोज़ रिंग है एंड इसी टाइप में इयर रिंग्स भी है। तो ये आप जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो इयर रिंग्स है नोज़ रिंग है ये गाइज, तो इस टाइप में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इस टाइप में अगर आपके पास इयर रिंग्स हैं तो आप इसे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नोज़ रिंग आपकी पेयर्स हैं तो इस तरह से जो आपके पास इयर रिंग्स है तो आप इसे नोज़ में वेयर कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है एंड इस तरह से है जो मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा है। एंड अगर आपको थोड़ा सा बड़ा है, ये काफ़ी हैवी में नहीं है, ज़्यादा इसका वेट भी नहीं है, लाइट वेट ही है इसका। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लहंगे वगैरह में आप वेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से है, आई होप आपको अच्छा लगेगा गाइस ये आइडिया आपके लिए। अगर आप नोज ईयर में नहीं आप पहनना चाहते हैं, वियर करना चाहते हैं तो आप नोज़ में इसे वियर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया भी है एंड बहुत ही इसमें अच्छा लुक भी आएगा गाइस। लहंगे वगैरह में आप वियर कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अगर मेरे पास ये जो इयर रिंग्स हैं ये इस टाइप के देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे हैं ये इयर रिंग्स। इस टाइप में आपके पास अगर बिंदी है, बिंदी जैसे हम लगाते हैं तो उस टाइप की अगर आपके पास है तो आप उसे भी वेयर कर सकते हैं। जिनकी नोज़ पियर्स नहीं है तो उनके लिए वो आइडिया बहुत ही अच्छा है एंड जो लड़के नहीं वेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी है गाइस। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है एंड ये नहीं लग रहा है कि ये इयर रिंग्स हैं, बिल्कुल नोज़ रिंग ही लग रहा है। आप इसे यहाँ से कट कर दीजिए, मैंने यहाँ से कट कर दिया था तो आप ही इसे हल्का सा यहाँ से कट कर सकते हैं इयर रिंग को एंड आप नोज़ में वियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा लुक भी आ रहा है। एंड जो बॉयज़ नहीं अलग अलग कलेक्शन ले सकते हैं तो उनके लिए जो आइडियाज़ है बहुत ही अच्छा है, आई होप उनको अच्छा लगेगा एंड सबको अच्छा लगेगा। इसे आप दे सकते हैं, तो आई होप मुझे आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया गाइज। ये इयर रिंग्स है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक भी इसमें आ रहा है। तो ये वाला जो है आप लोगों को पसंद आया गाइज और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड मेरे पास नेक्स्ट इयर रिंग्स है इस टाइप की, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो है बड़ा सा इसमें बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा इसमें डायमंड लगा हुआ है गाइस, ये आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा डायमंड लगा हुआ है। एंड ये जो डायमंड में साइड में इसमें छोटे छोटे से एंड स्टार बना हुआ है इसमें, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, तो इसे भी आप जो है नोज़ में अपने वियर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, इसे आप यहाँ से कट कर लीजिएगा एंड इसे आप नॉर्मली आप आसानी से नोज़ में वियर कर सकते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। एंड जिसे हैवी नोज़ रिंग चाहिए, जो बड़ी सी नोज़ रिंग पहनना चाहता है, जिसे हैवी नोज़ रिंग चाहिए जो लाइट वेट हो एंड हैवी लुक आए, उसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड बॉयज़ भी अगर इसे पहनना चाहेंगे तो पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया है। किसी के पास भी, बहुत से लोगों के पास इस तरह से इयर रिंग्स होते हैं, आप उसे वेयर कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो गाइज आई होप आपको मेरा ये वाला जो वीडियो है आई होप आपको पसंद आएगा गाइज। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरा ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, ये इयर रिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं एंड लुक भी बहुत अच्छा आएगा गाइज। हर हम नए अगर कहीं हमें बाहर जाना है पार्टी वगैरह में तो आप इसे वेयर कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए हम नए नए नोजिंग कलेक्शन नहीं अगर वेयर कर सकते तो आप इस तरह से आप डी आई वाई आइडियाज़ जो है शेयर कर सकते हैं। एंड मैं आपको नेक्स्ट दिखा दूँ, मेरे पास ये गोल्ड के नोज रिंग है सॉरी इयर रिंग्स हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं ये। एंड आप इसे अगर ईयर में नहीं वेयर करना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मली नोज में वेयर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आप सिंपली आसानी से इसे वियर कर सकते हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आ रहा है इसमें। आई होप आपको ये वाला आइडिया मेरा पसंद आएगा गाइज। आप ये देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा लुक भी आ रहा है। एंड आप अच्छे से आप अगर कहीं आपको जाना है तो वहाँ पर जेंटली आप ये आइडिया आप यूज़ कर सकते हैं मेरा टिप्स। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो गाइज ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है ये जो मेरी इयर रिंग्स है बहुत अच्छे हैं गोल्ड के हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड मैं आप लोगों से नेक्स्ट ये वाले शेयर कर रही हूँ, ये इस टाइप में है। तो ये मेरे दूसरे हैं। आई होप आपको ये वाली इयर रिंग्स भी पसंद आएगी। इसे आप नॉर्मली नोज रिंग जब चाहे तब बना के पहन सकते हैं एंड पार्टी वगैरह में आप वेयर करके जा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे ये वाले आइडियाज़ जो हैं पसंद आएंगे। एंड प्लीज़ जो शोर हो रहा है उसे आप इग्नोर करिएगा। एंड इस तरह से है, आई होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगेगा। इसे आप पार्टी वगैरह हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड नेक्स्ट ये वाले हैं, इसे ये मेरे जो है इयर रिंग्स हैं, आप इसे नॉर्मली जो है नोज में आप वियर कर सकते हैं। तो गाइज अब इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे वेयर कर लिया है, बहुत ही सिंपल तरीका है। एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक भी इसमें आ रहा है। तो ये मेरे नॉर्मली इयर रिंग्स थे एंड आप इस तरह से देख रहे इसमें लटकन लगा हुआ है एंड पूरा ये गोल्ड लुक में दिया हुआ है। और आपको नज़दीक से मैं दिखा दे रही हूँ। आई होप आपको मेरा जो ये आइडिया है आप लोगों को पसंद आएगा। एंड आप अगर इसे चैन में पहन सकते हैं, चैन लगा के आप ये देख सकते हैं, तो आप इसे भी चैन में लगा के वेयर कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लुक आएगा गाइस। तो आप लोगों को मैं इसमें चैन लगा के दिखा दे रही हूँ। तो ये इस तरह से आई होप
ये वाला जो है लुक है जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा लुक आएगा एंड बहुत प्यारी नोज रिंग लगेगी इस टाइप से। आप अगर चैन में वेयर करेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा इस तरह से, आप ये देख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लुक भी आ रहा है एंड इयर रिंग्स से आप इतना अच्छा DIY आइडियाज़ बना सकते हैं गाइस। और चैन के साथ आप इसे वेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। कोई भी डिज़ाइन है अगर आपको चैन से वेयर करना चाहते हैं, लाइट वेट चैन जो है नहीं, अगर आप इतनी हैवी चैन वेयर करना चाहते हैं तो आप नहीं ना करें एंड आप लाइट वेट चैन वेयर करना चाहते हैं तो आप वही कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा एंड आपका एक अच्छा आइडिया भी बन जाएगा। अगर आप पार्टी वगैरह में जाएंगे अगर आप ये वेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड इस तरह के इयर रिंग्स वगैरह तो हर किसी के पास होते हैं गाइज। अगर आपके नोज़ पियर्स नहीं है तो उसके लिए भी है, आप कोई भी जो दबाने वाली नोज रिंग आती है आप उसे वेयर कर सकते हैं एंड उसमें भी आप चैन लगा के वेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा एंड आपका एक आइडिया भी बन जाएगा, DIY आइडियाज़ भी हो जाएगा आप, और आपको हर चीज़ के लिए नोज रिंग कलेक्शन जो है आप लोगों को नहीं लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।